नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं हूं बनवारीलाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। फिरोजाबाद जिले में जुमा की नमाज को लेकर आज पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। जुमे की नमाज को लेकर फिरोजाबाद जनपद में मस्जिदों के बाहर और आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस बल के साथ जनपद में भ्रमण किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में आज जनपद में जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुई। कानपुर में पिछले सप्ताह जुमे की नमाज के दौरान पथराव और तोड़फोड़ हो गई थी, जिसके बाद इस शुक्रवार को पूरे प्रदेश में अलर्ट रहा। फिरोजाबाद जनपद में पुलिस प्रशासन पहले से ही बेहद अलर्ट दिखा और जुमा की नमाज की गंभीरता को देखते हुए फिरोजाबाद जनपद में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं जनपद में जिलाधिकारी रवि रंजन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, SP ग्रामीण डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह सहित SDM CEO ने भी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से भी मस्जिदों के आसपास और जनपद पर नजर रखी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं जनपद में मस्जिदों और मस्जिदों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी आज जुमा की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से जनपद में सम्पन्न हुई। पूरे शहर में भ्रमण किया है, किस तरह जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी थी। कल कप्तान साहब के साथ हम लोग और अलग अलग स्थानों पे लगी हुई हैं, साथ साथ सुबह से सब लोग अलर्ट हैं और हमारे सभी स्थानीय संगठनों से भी बात हो रही है और सभी लोगों ने मिलकर ये अपील की और आश्वस्त किया है कि शांतिपूर्ण रहेगा और अभी तक शांतिपूर्ण है और हम लोग शनिवार भ्रमण कर रहे हैं। सभी लोग अपने मुख्य पॉइंट पर उनका जीवन सुचारू रूप से चल रहा है और किस तरह का भ्रमण किया जा रहा है। देखिए, जब तैयारी तो कुछ दिनों से चली रही थी जिसमें हमारे धार्मिक गुरु और जितने भी धार्मिक संगठन हैं उन सभी से हमारी बातचीत थी। जो हमारे लोकल लीडर्स हैं, पार्षद हैं, उन सभी से भी हमारा नेटवर्क रहा। जो हमारी फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनसे भी हमारा संपर्क हुआ है। इसके अलावा जो हमारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, पूरा डिप्लॉयमेंट किया गया है। ड्रोन वगैरह सभी का उपयोग किया जा रहा है। जो PAC की जो कंपनी है वो भी हमारी लगी हुई है और हमारी टीम में लगातार भ्रमण टीम है। सभी लोगों से हमारी बातचीत लगातार चल रही है। इसमें खासतौर से जो हमारी फिरोजाबाद की जनता है उससे मेरी अपील है कि एक तो किसी भी प्रकार की अफवाह ना फैलाएं और ना फैलने दें। उसमें यदि किसी प्रकार की अफवाह होती है उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है सोशल मीडिया पर भी और उसमें हम लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं। सर, इसके अलावा ये भी ध्यान दीजिए कि किसी भी प्रकार की जो भीड़ भाड़ या ये जुलूस वगैरह इसमें किसी भी पार्टिसिपेट ना करें, लगातार हमारी नज़र बनी हुई है और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कहीं पोस्टर लगने की भी सूचना थी, कहीं पोस्टर भी लगे थे इलाके में? देखिए, इसमें जो घटना आई थी इमीडिएटली पुलिस ने उसको वर्कआउट करके CCTV में जो जिन लोगों ने इसको किया था उन पर इमीडिएटली मुकदमा लिख के उन पर कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह की कोई भी आदमी यदि कानून हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बाजार बंद को लेकर असमंजस की स्थिति थी, क्या कहना है प्रशासन का कहना है इस पर? देखिए, इसमें जो उलेमा हैं और जितने भी हमारे व्यापारी संगठन वगैरह हैं सभी ने अपील की है कि इस तरह की बाजार बंदी वगैरह जो है वो कोई ऑफिशियली अलाउड नहीं है। इसके अलावा जो पुलिस भी है वो सुबह से लगी हुई है, टीम्स यहाँ पर लगी हुई हैं और अनाउंस भी कराया जा रहा है जिसमें हम लोग पुलिस बल पूरा मौजूद है, सुरक्षा का पूरा एहसास कराया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, मजिस्ट्रेट हर एक मजिस्ट्रेट वगैरह पर तैनात हैं।